दोस्तों पोको C65 मोबाइल का प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन इस मोबाइल का प्राइस कम होने के बावजूद इस मोबाइल में हमें बढ़िया एक बैटरी मिल रहा है, अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, इस मोबाइल का लुक्स भी बहुत बढ़िया है। तो इस मोबाइल में हमें क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, मोबाइल का प्राइस क्या है, मोबाइल कैसा होगा आपके लिए, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हो आनंद टेक वर्ल्ड। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों हम जान लेते हैं इस मोबाइल में हमें डिस्प्ले क्या मिल रहा है। तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.74 इंच HD प्लस IPS वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले। मोबाइल में हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट हमें मिलेगा 90Hz और इसमें हमें टच सैंपलिंग रेट मिल रहा है 180Hz। और दोस्तों इस डिस्प्ले का ब्राइटनेस हमें मिल जाएगा 600 nits। और दोस्तों इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बजट के हिसाब से देखा जाए तो ऑल ओवर इस मोबाइल का डिस्प्ले सेक्शन हमें बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। मतलब इतना कम बजट के अंदर इस फोन में हमें 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल रहा है। इसके वजह से अब कोई गेम खेलोगे या मोबाइल में कोई काम करोगे तो डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ काम करेगा आपका, इसलिए यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, ग्लास प्रोटेक्शन भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है और विजिबिलिटी में भी उतना दिक्कत नहीं आएगा। मतलब आप इनडोर के साथ साथ आउटडोर में भी मोबाइल को यूज करोगे तो उतना विजिबिलिटी इशू नहीं रहेगा, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक ही रहेगा बजट के हिसाब से देखा जाए तो इस मोबाइल में। और दोस्तों एक चीज मुझे यहाँ पे खराब लगा कि यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल रहा है। अगर 5-6 डिस्प्ले होता तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता था ये मोबाइल। दोस्तों इस मोबाइल का वजन है 192 ग्राम और इसका थिकनेस है 8.09 मिलीमीटर। इस फोन में हमें मिल रहा है एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 14 यूजर इंटरफेस के साथ। अभी जान लेते हैं दोस्तों इस फोन में हमें बैटरी क्या मिल रहा है। तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है 5000mAh का बैटरी रेगुलर 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ। मोबाइल में हमें जो चार्जिंग कनेक्टर मिल रहा है वो है USB Type-C और उसके साथ हमें 3.5mm हेडफोन पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस मोबाइल में। और दोस्तों इस मोबाइल का बॉक्स के साथ हमें 10W चार्जर फ्री मिलेगा। चलते हैं दोस्तों इस मोबाइल का सिक्योरिटी की तरफ देखा जाए तो इस फोन में हमें मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फैसिलिटी। ये मोबाइल अभी मार्केट में 2 कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, पेस्टल ब्लू और मैट ब्लैक। कौन सा कलर वेरिएंट आपको सबसे ज्यादा पसंद में आ रहा है जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। चलते हैं दोस्तों अभी इस मोबाइल के कैमरा की तरफ, जान लेते हैं इस फोन में हमें कैमरा क्या मिल रहा है। तो इस मोबाइल का रियर साइड में हमें मिल रहा है 50MP का ट्रिपल कैमरा। प्राइमरी जो लेंस है वो है 50MP का जिसका अपर्चर है f1.8 और इसके बाद हमें एक 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा और एक AI लेंस मिल जाएगा इस मोबाइल में। और इस मोबाइल का फ्रंट में हमें मिलेगा 8MP का सेल्फी कैमरा। तो ऑल ओवर दोस्तों बजट के हिसाब से देखा जाए तो इस फोन में हमें कैमरा सेक्शन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, यही हम बोल सकते हैं। इस मोबाइल का रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से ही आप फुल HD में वीडियो शूट कर पाओगे 30 FPS में। अभी चलते हैं दोस्तों इस मोबाइल का कनेक्टिविटी की तरफ, जान लेते हैं इस फोन में हमें कनेक्टिविटी का क्या फीचर्स मिल रहा है। तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है Wi-Fi डुअल बैंड, ब्लूटूथ 5.3 और डुअल 4G वोल्टी। अभी जान लेते हैं दोस्तों इस मोबाइल का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब इसमें हमें प्रोसेसर क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस मोबाइल में हमें मिल रहा है मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर, एक 12 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2 GHz और इसमें हमें ARM माली G52MP2 GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बजट के हिसाब से देखा जाए तो इस फोन में आप बहुत ही अच्छा गेम खेल पाओगे, मल्टीटास्किंग कर पाओगे, ऑल ओवर इस मोबाइल का परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। एकदम हाई एंड का कोई काम करने जाओगे, हाई ग्राफिक्स का कोई काम करने जाओगे तब थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकता है, बाकी ऑल ओवर इस फोन का अगर बजट आप देखो तो उस बजट के हिसाब से इस फोन में आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिल रहा है, यही हम बोल सकते हैं। और दोस्तों ये चिपसेट क्योंकि 4G सपोर्ट करता है तो इस मोबाइल में आपको 4G का सपोर्ट मिलेगा, 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये मोबाइल अभी मार्केट में 3 स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें हमें मिल रहा है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इस मोबाइल में जो रैम का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है वो है LPDDR4X और इसमें हमें UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ हमें इस मोबाइल में डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिल रहा है, मतलब 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप आराम से सेट कर पाओगे इस मोबाइल में। तो दोस्तों इस मोबाइल के बारे में तो हम सब कुछ जान लिया, अभी जान लेते हैं इस मोबाइल का प्राइस क्या है। तो इस मोबाइल का 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है सिर्फ 8,499 रुपीज। इस मोबाइल का 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 10,499 रुपीज और इस मोबाइल का 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 10,999 रुपीज। तो ये मोबाइल आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा। बाय।